हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज, जो कि आपकी हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। और आप सभी को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हमारे साथ बने रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमारा होगा, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था इंडिया के अंदर? गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में या फिर राजस्थान में? सबसे पहले आधार कार्ड किस राज्य के अंदर बनाया गया था? तो सबसे पहले जो आधार कार्ड बनाया गया था वो बनाया गया था हमारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के अंदर में। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में जन्म लेता है? हाथी है, ऊंट, घोड़ा या फिर दरियाई घोड़ा? इन सब में से कौन सा ऐसा जीव है जिसका जन्म ही पानी में होता है और वो पानी में ही मोस्टली पाया जाता है या फिर रहता भी है? तो इसका आंसर होने वाला है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो होता है वो पानी के अंदर पैदा होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन हमारे पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और डेली करंट अफेयर्स की 1 मिनट सीरीज़ आती है तो उसे ज़रूर से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? 2012 के अंदर जो ओलंपिक गेम किया गया था वो किस स्टेट में, किस कंट्री में किया गया था? अमेरिका में रिप्रेजेंट किया गया था, भारत में रिप्रेजेंट किया गया था, लंदन में या फिर जापान में रिप्रेजेंट किया था? किस कंट्री के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया गया था ओलंपिक गेम को? तो जो ओलंपिक गेम हुआ था हमारा 2012 में, उसे रिप्रेजेंट किया गया था लंदन में। कौन सी कंट्री में? लंदन कंट्री में इसे रिप्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट्सएप की शुरुआत भारत में कौन से सन में हुई थी? जो व्हाट्सएप है वो बाहर के देशों में तो पहले चलता था, पर भारत के अंदर वो कौन से सन में आया था? सन 2009 में, 2008 में, 2005 में या फिर 2010 में? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, अदरवाइज़ मैं तो अभी आपको बताऊँगी। तो व्हाट्सएप की जो शुरुआत की गई थी भारत के अंदर वो सन 2009 में की गई थी, बिल्कुल 2009 के। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने, इसका आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? मोदी जी ने जब नोटबंदी की घोषणा की थी तो वो इस देश के कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और कौन से सन में की थी? 2015 में की थी, 2016 में की थी, 2018 में की थी या फिर 2020 में की थी? जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वह हमारे इंडिया के दो बार बन चुके हैं, फर्स्ट 2014 में और दूसरा 2019 में, लेकिन नोटबंदी जो थी वो नोटबंदी की गई थी 2016 में। नेक्स्ट देखेंगे, हमारी जो नेकेड आई होती है यानी कि जो नंगी आँखें होती है बिना किसी टेलीस्कोप, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, विदाउट, हम किस ग्रह को देख सकते हैं? हमारे तो यानी कि जो हमारी जो नेकेड आई है वो किस ग्रह को देख सकती है? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बुध ग्रह को या फिर शनि ग्रह को? आपके हिसाब से किस ग्रह को हमारी जो नेकेड आई होती है वो देख सकती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और आप सभी ऐसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करती रहिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। शनि ग्रह को हम अपनी नंगी आंखों द्वारा देख सकते हैं नेकेड आई के थ्रू। भारत में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किस राज्य में है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बनाए गए हैं? ये क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो बड़े बड़े यानी कि जितने भी स्टेट इसमें मेंशन किए गए हैं सारे स्टेट बड़े बड़े हैं, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो। मोस्टली लोगों का जो आंसर आएगा वो महाराष्ट्र को लेकर होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारत में सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट हैं वो गुजरात के अंदर बनाए गए हैं, बिल्कुल गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे दिन में दिखाई नहीं देता? आई नो आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो फिर भी हम एक बार शुरू करते हैं। उल्लू है, चातक है, मोर है या फिर चमगादड़ है जिसे दिन में दिखाई नहीं देता? लेकिन हिंट देती हूँ, लेकिन उसे रात में प्रॉपर दिखाई देता है, सारे पक्षियों से ज़्यादा अच्छा उसे दिखाई देता है रात के टाइम में। तो कोई और नहीं, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन में दिखाई नहीं देता लेकिन रात में बहुत अच्छे से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर 7G नेटवर्क चलता है? इंडिया के अंदर अभी कौन सा नेटवर्क चल रहा है? 5G नेटवर्क चल रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा देश है जो बहुत ज़्यादा आगे है उसमें, जिसमें 7G नेटवर्क चलता है? कोरिया है, जापान है, भारत है या फिर अमेरिका है? बिल्कुल आप सभी को पता है कौन सी जो कंट्री है जो डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, और हम अगर 2024 में जी रहे हैं तो मे बी वो 2050 की लाइफ को जी रहे हैं, तो कोई और सी कंट्री नहीं, वो जापान होने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, गर्भवती महिलाओं को कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? जो जब
प्रेगनेंसी स्टेप में है तो आपको कौन सा फल नहीं खाना चाहिए जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस होती है, सेब, अनार, नारियल या फिर कच्चा पपीता। नारियल तो बिल्कुल भी नहीं सोता क्योंकि नारियल वो पीती हैं, सेब भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अनार भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कौन सा ऑप्शन बचता है हमारा? कच्चा पपीता। बिल्कुल कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। अगर आपको हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर विजिट करिए करंट अफेयर्स की।